सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कनेक्ट साउथ एशिया टीवी कुकिंग शो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कनेक्ट साउथ एशिया टीवी। वेलकम टू द कुकिंग शो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कनेक्ट साउथ एशिया टीवी और आज हम कुकिंग शो में बताने वाले हैं एक ऐसा कहवा कि जैसा आप लोगों को सबको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में बच्चों को खांसी जुकाम नज़ला, बल्कि बच्चों को ही क्या बड़ों को भी, हमारा भी यही हाल होता है कि जैसी सर्दियां आती हैं तो गला बैठ जाता है और बहुत ज्यादा खांसी नज़ला और जाने से नहीं जाता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहवा बताने वाली हूँ, एक ऐसी चाय बताने वाली हूँ कि जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये बिल्कुल क्विक बन जाती है, जल्दी से बनने वाली रेमेडी है और ऐसी है कि आपको इससे फायदा 100% होने ही वाला है। और इसको जो है कोई भी बना सकता है, बच्चा बना ले, बड़ा बना ले, बहुत ही ज्यादा इजी होती है और झटपट से बन जाती है और असर भी, सबसे बड़ी बात, असर भी जो होता है इसका झटपट वाला होता है। तो आइए अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाजरीन, हमने यहाँ पर जो है एक पतीली ले ली है जिसके अंदर हमें जो ये कहवा तैयार करना है और उसके अलावा हमने जो है यहाँ पर लेनी है सिनेमन, हमने यहाँ पे सिनेमन यूज करनी है और यहाँ पे हमें लेमन चाहिए होगा बस। आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेटर ये होगा कि आप जो है इसमें शुगर ऐड ना करें, क्योंकि ये जो है आपके लिए वेट लॉस के लिए ये जो रेमेडी है बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप शुगर यूज ना करें, लेकिन आपको इसका जो है टेस्ट थोड़ा सा अच्छा करना है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। चलें अब हम जो चलते हैं वो अपनी रेमेडी स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर इतनी दालचीनी यूज़ कर रही हूँ, सिनेमन मैंने अपनी जो है वो पतीली में ऐड कर ली है और अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर वाटर। ये हमने इसमें एक गिलास जो है तकरीबन पानी ऐड कर लिया है। अब जो है इसको हमने बस गैस पर रखना है और इसको पकाना है। ये हमने जो है अपना जो गैस पर ये रख दिया है पतीला, हमारी जो है हमने रख दिया है और ये अब जो है उबाल आ रहा है इसके अंदर। हमें ये जब तक पकाना है जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, इसका हल्का सा कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, इसका हल्का सा कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और ये फिर कहवा जो है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी बनाना है ये तो आप इसको ढककर भी रख सकते हैं। जब तक हमारा कहवा जो है वो बन रहा है जब तक थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं और आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग और कौन कौन सी रेसिपीज या होम रेमेडीज देखना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और एक दफा जरूर इस कहवे को तैयार करिएगा। बहुत ज्यादा ईजी है, बिल्कुल झटपट से बन जाता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको आपने जो है जस्ट 10 से 15 मिनट पकाना है। इसको अच्छी तरह से पकाएं, जब तक पकाएं कि जब तक इसका जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो उसके बाद हम निकालते हैं और उसके बाद क्या करना है वो दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो है वो हमारा कहवा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम उसको कप में निकालते हैं और आगे का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को बताते हैं। ये हमने जो है इसका कलर चेंज हो गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं दिखेगा कैमरे में लेकिन आपके रियल में दिख जाएगा। ये हमने अपना कहवा जो है इसमें निकाल लिया है और अब इसके अंदर जो है हम ये लेमन ऐड करेंगे। ये मैंने लेमन का एक चौथाई हिस्सा लिया है। मेरे पास बहुत बड़ा लेमन था तो मैंने ऐसा लिया। अगर आपके पास छोटा लेमन है तो आप आधा लेमन जो है वो इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ये लेमन जो है हम एंड में ही यूज करेंगे इसके, जब ही इसमें जो है वो अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हमने इसके अंदर लेमन भी ऐड कर लिया है। अब देखिए आप लोग गाइस, मैं आप लोगों को पी के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है।
जी गाइस, तो अब हमारा कहवा जो है वो रेडी हो गया है और अब मैं जो है आपको इसको पीकर बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसा लग रहा है। बहुत गर्म हो रहा है तो मुझे इसको पहले फूंक मारनी पड़ेगी, फिर पीना पड़ेगा। अमेजिंग। सर्दियों में इतना मजा है ना इसको पीने का कि आप लोगों की सोच नहीं है, और ये बहुत ज्यादा मजे का लगता है। आप इसको जो है वो खाने के बाद यूज करें, या आपको, मुझे ऐसी बहुत पसंद है और मेरी रूटीन है कि मैं इसको जरूर पीती हूँ और मेरी डाइट में ये ज़रूर शामिल होता है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि सिनेमन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को बहुत ज़्यादा फिट रखने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मैंने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप अपना टेस्ट आपको ऐसा इसका अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ी सी जो है इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ की देखना पसंद करेंगे, या आप कोई होम रेमेडी और पूछना चाहते हैं तो ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।